हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 मार्च 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर मैं इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, और इसमें हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आज की डेट में यानी 5 मार्च के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। हर क्वेश्चन के साथ आपको महत्वपूर्ण इसके फैक्ट्स बताए जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होता है। आप भले ही गलत जवाब दीजिए, 4 ऑप्शंस रहते हैं, आप किसी भी ऑप्शंस का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन आप आंसर दिया करिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो आपसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा गया था। क्वेश्चन है, भारत में नागरिक लेखा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 3rd ऑप्शन 1 मार्च। भारत में नागरिक लेखा दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शहर में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण यानी लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 2nd ऑप्शन, नई दिल्ली। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर यानी कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर में यात्री टर्मिनल भवन के निर्माण में अहम भूमिका अदा की थी। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भूमि पत्तन से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे यात्रा और क्षेत्रीय संपर्क, एकीकृत चेक पोस्ट पर कार्गो संचालन में चुनौतियाँ और एकीकृत चेक पोस्ट के बुनियादी ढांचे संबंधी आवश्यकताएं आदि पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 1st ऑप्शन, हम सफर मोबाइल ऐप। इस ऐप की सहायता से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होटल, अस्पताल और हाउसिंग सोसाइटी अपने घर पर डीजल की डिलीवरी कर सकेंगी। यह सुविधा अभी गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, हापुड़, कुंडली, मानेसर और बहादुरगढ़ में उपलब्ध होगी। हम सफर के पास अभी 12 टैंकर हैं। इनकी क्षमता 4000 से 6000 लीटर की है। इन टैंकरों के अलावा हम सफर के पास 35 लोगों की एक अनुभवी टीम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? इसका राइट आंसर होगा 4th ऑप्शन, महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने डोंगरा वंश की स्थापना की थी और साल 1846 में जम्मू कश्मीर के पहले सम्राट बने थे। उनका जन्म 1792 में जामवल कुल के एक डोगरा राजपूत परिवार में हुआ था जो जम्मू के राज परिवार से ताल्लुक रखते थे। महाराजा गुलाब सिंह ने वर्ष 1846 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल कितने स्थानों को शामिल किया है? इसका राइट आंसर होगा 3rd ऑप्शन, 2 स्थानों को। भारत सरकार ने विश्व धरोहर सूची 2020 में शामिल करने के लिए 2 स्थानों को नामांकित किया है। ये 2 स्थान है धोलावीरा और दक्कन, सल्तनत के स्मारक और किले हैं। धोलावीरा गुजरात का एक पुरातात्विक स्थल है, इसमें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर हैं। दक्कन सल्तनत के 5 प्रमुख राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए वित्त सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा 2nd ऑप्शन, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे को नया वित्त सचिव बनाया गया है और वे राजीव कुमार का स्थान लेंगे। राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए थे। अजय भूषण पांडे महाराष्ट्र कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक की डिग्री ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है? इसका राइट आंसर होगा 5100 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में राज्य का दूसरा बजट पेश किया है।
मुख्यमंत्री ने 1,02,907 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। पिछली बार की तरह इस बजट में भी किसानों का खास ध्यान रखा गया है। बजट में कोई नया कर भी नहीं लगाया गया है। मनरेगा के लिए 1,603 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए 61 नए छात्रावास खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टीम कर्नाटक को हराकर 13 साल बाद रणजी के फाइनल में पहुंची है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। बंगाल ने सेमीफाइनल मैच में कर्नाटक को 174 रनों के बड़े अंतर से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। बंगाल की टीम 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है। बंगाल की टीम साल 2007 के बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच खेलेगी। रणजी ट्रॉफी 2020 का अंतिम मुकाबला 9 मार्च को खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में 300 यूनिट प्रति माह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट प्रति माह की बिजली देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 100 यूनिट प्रति माह। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 3 मार्च 2020 को विधानसभा में 86,000 करोड़ रुपए का अपना पहला बजट पेश किया है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर फोकस किया गया है। सरकार ने झारखंड में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य के 92% नागरिकों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। 300 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वालों को 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के जरिए काले धन को सफेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, तीसरे स्थान पर। GFI की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में चीन 457.7 अरब डॉलर की राशि पर कर चोरी के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद मैक्सिको जो कि 85.3 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत 83.5 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। रूस 74.8 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर। पोलैंड 66.3 अरब डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1 और विटामिन 12 और पैरासिटामोल सहित कितने तरह की दवा सामग्रियों के निर्यात पर बैन लगा दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 26। चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस का असर अब भारत के दवा उद्योगों में दिखना शुरू हो गया है। सरकार ने 26 तरह की दवा सामग्री और पैरासिटामोल, विटामिन B1 और विटामिन 12 सहित कुछ दवाओं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अब तक इन दवा सामग्रियों के एक्सपोर्ट पर किसी तरह का कोई बैन नहीं था। सरकार की ओर से की गई घोषणा कोरोना वायरस के दुनिया के कई देशों में फैलने के बाद उपजी चिंता को देखते हुए काफी अहम है। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। ये 5 मार्च 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।